इतना ही कर रहा है। और मीडिया वाले लोग आप लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या करेगी, ये महिला कहीं दे रहे कि नीतीश कुमार आज गद्दी पर बैठे हैं, उसको अगर हम लोग का अगर मांग पूरा नहीं किया तो उसको गद्दी से उतार देंगे। जो अगर पंडित शादी कराते हैं वही पता है ना क्या कहा देता है। इस वक्त हम राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेट जो है वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने हमसे काम करवा लिया और काम कराने के बाद ये हटाने की साजिश हो रही है, उसमें जो उम्र है कि हम लोगों को अगर शिक्षा मित्र के हम लोगों के साथ बहाली हुआ था उनका वेतन हो गया, हम लोगों को क्यों नहीं वेतन मानदेय कर दे रहा है सरकार, हम लोगों का स्थायी कर हम लोगों का मानदेय 36,000 को, हम लोगों का बच्चा रोता है और नीतीश तेजस्वी सोते हैं, क्यों सोते हैं, उनको जगना पड़ेगा। जिस दिन वोट का जरूरत पड़ता है सरकार को उस दिन आशा को सभी जनता को जगाते हैं, और आज उनका काम हो गया तो आशा को भूल गए, उनको जगना होगा, आकर हम लोगों का वेतन भैया देना होगा, क्योंकि रात को हम लोग रात बिरात को हम लोग आशा बहने जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी बहाओ कहते हैं, खुद बेटी को उखाला में डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं बेटी को, बेटी को तो मार देना चाहिए उनको, हम लोग भी तो देश के बेटी हैं, मार दीजिए सरकार को, मार देना होगा। क्या बोलते हैं नीतीश जी की बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्या पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को तो भूखे मार दे रहे हैं ना, हम लोगों का बाल बच्चा को भी मार रहे हैं। तेजस्वी क्या करेंगे, तेजस्वी तो वादा किए थे, तेजस्वी जी वादा किए थे कि हम ये करेंगे, 20,000 मानदेय करेंगे, वो करेंगे, वो भी सो गए हैं, उनको जागने के लिए हम कह रहे हैं कि जागिए तेजस्वी जी, जाकर आँख खोल के देखिए, जो आशा से वादा किया था वादा पूरा कीजिए, आपको वादा पूरा करना होगा, नहीं तो हम लोग तो भूखे मर रहे हैं, बाकी देश का भी बच्चा मर रहा है, बाकी जिया रहा है, आशा जिया रही है, आपको जागना होगा, हम लोगों का मानदेय देना होगा। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते, महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर दिया, वो क्या सलाम करेंगे भैया, इज्जत देंगे महिला को, तो हम लोग महिला ना है, हम लोग पुरुष है भैया, नहीं ना महिला है ना, तो हम लोगों को देते तो इस धरने पे उतरते, धरने पे उतरते भैया, रात को मजदूरी करने जाते हैं, 300 मिलता है, 300 मिलता है तो उसमें से BCM कहता है तो हमको भी आधा चाहिए पैसा तब देंगे, मतलब वो घूस मांगता है उस 300 में भी, 300 में भी घूस मांगता है, तो हम लोग कहाँ से दें, हम लोगों का मानदेय आता है कि हम लोग मानदेय दे उसको, NM साइन करेगी तो वेरीफाई होगा, BCM साइन करेगा, सब लोग वेरीफाई करते करते सब लोग पैसा मांगता है, उसी में हम लोग का पैसा खत्म हो जाता है, जो 2 रुपए में भी 1 रुपए मांग लेते हैं। नीतीश बोलता भैया हम लोग हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जितना सुइया डिलीवरी पड़ रहा है हम लोग हॉस्पिटल में ताला मार देंगे, जो करना है सरकार करेगा, हम लोग नहीं होने देंगे, ऐसे का बदौलत हो रहा है ना भैया, तो हम लोग रोक डाल देंगे, नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कहते हैं कि कोरोना के दौरान आशा ने लोगों की जान बचाई है, और आप भैया वो तो बोलते हैं कि आशा रीढ़ की हड्डी है, आशा रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी की सरकारें खा रही है, क्या वो रीढ़ की हड्डी बनाएंगे, रीढ़ का जो हड्डी रहता है तो उसे डरना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी है तो हम चल रहे हैं, जब हड्डी नहीं रहेगा तो टूट जाएंगे, चल पाएंगे सरकार, तो उनको सोचना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी के लिए क्या करना चाहिए, रीढ़ की हड्डी के लिए वेतन देना चाहिए तब रीढ़ की हड्डी सही रहेगा, नहीं तो उसमें खून लग जाता है, सरकार को सोचना पड़ेगा और उनको झुकना पड़ेगा, हम लोग कहेंगे अगर नहीं झुकेंगे तो हम लोग झुका देंगे, हम लोगों को सरकार से यही कहना है, अगर सुन रहे हैं तो निमन से सुन जाए और जाग जाए कि हम लोगों का तो भूखले मर रहा है, हम लोगों का बच्चा भी मर रहा है, क्या लगता है महिलाएं सड़कें पे आ जाएंगी तो सरकार को मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा भैया, उनको छोड़ के भागना पड़ जाएगा, समझ जाइए सरकार को झुकना पड़ जाएगा, एक नारी ही है जो देश को चलाती है, नारी देश को चला सकती है, सरकार को नहीं हटा सकती है, हटा सकती है, अगर सरकार आशा को नहीं कुछ करेगा, आशा आंगनबाड़ी सबको जो नहीं रोजी रोटी फैसिलेटर रोक देगा तो ऐसे सरकार रह के क्या करेगा, नहीं ऐसा हम लोगों का सरकार चाहिए, जो मजबूरी ही नहीं समझ सके ऐसा को, ऐसा सरकार को नहीं हम लोग देश में रहने देंगे, जब तक हम लोगों का 36,000 नहीं महीना करेगा हम सरकार को ऐसा नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, हमको सरकार से यही कहना है। क्या कह रहे हैं महिला जान के दबाव था लोग, महिला का ना सरकार बना, नीतीश कुमार कहता नहीं कि महिला पर शराबबंदी कर ले बनी, शराबबंदी आप ही लोग को कहना करना हुआ था, हाँ सर बात नहीं मान रहे हैं, हाँ हाँ बोलो, और बोला
तो ये जो महिलाएं हैं वो एक तरह से समझिए कि सरकार से गुस्सा है, आक्रोशित है। उनका कहना है क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ आप लोग सड़क पर बैठ गए? इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ हम लोग सड़क पर बैठ रहे हैं कि हम लोग मजदूर आदमी है, हम लोग का मांग पूरा नहीं कर रहे हैं और सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर रहे हैं। और मीडिया वाले लोग आप लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या करेंगे, ये महिला का ही देन है कि नीतीश कुमार आज गद्दी पर बैठे हैं। उसको अगर हम लोग का अगर मांग पूरा नहीं किया तो उसको गद्दी से उतार देंगे। जो अगर पंडित शादी कराते हैं वही पता है ना क्या कह देता है। इसीलिए हम ही लोग का देन है कि वो गद्दी पर बैठा हुआ है। अगर हम लोग भी फूट गए तो उसको गद्दी से उतार देंगे हम लोग। जब हम लोग पैसा के लिए बोलते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि ये में फंड में पैसा नहीं है, और विदेश यात्रा के लिए अपना सुविधा के लिए पैसा हो जाता है और आशा दीदी के लिए पैसा नहीं है। जबकि आशा दीदी 24 घंटा ड्यूटी कर रही है, उनका क्या बाल बच्चा उनका मुंह नहीं है क्या? हम लोग कोविड में सारे कर्मचारी लोग घर में बैठे। कोविड का जो मामला है तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब ने माना कि आशा नहीं होती तो शायद हालात और बुरे। क्या ये बोलने से तो पेट नहीं चलता है, उसके लिए तो भोजन चाहता है। सब लोग अपने अपने सेफ्टी में थे, लेकिन मेरी आशा बहन रोड पे काम कर रही थी। नहीं हम लोग के पास कोई सेफ्टी था, नहीं कोई किट था, नहीं कुछ भी। हम लोग सब चीज अपने भी जिंदगी से लड़ के पूरे पब्लिक को। सरकार आप लोग की मांग नहीं मानेगी, क्या करेंगे? हम लोग जैसे मेरे ही चलते हो, जैसे गद्दी पर बैठे हैं हम लोग महिला के ही चलते। अगर वो नहीं हम लोग का मांग पूरा करेगा तो हम लोग उसको गद्दी से उतार देंगे। नीतीश तो इसलिए सरकार गिरा दीजिए। हाँ हम लोग नीतीश का सरकार गिरा देंगे, इसलिए कि हम ही ना पीएससी जो सरकारी हॉस्पिटल है एक कुत्ता वहाँ नहीं जाता था। आशा ही का देन है कि वहाँ आज पब्लिक का इलाज ही हो रहा है। नहीं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले जो दर था हॉस्पिटल में जाने का वो बहुत कम था, अब हर महीने कम से कम 24,000 लोग जाते हैं। ये सरकार तो वो किसका देन है? आशा का या नीतीश सरकार का? वो आशा का ही देन है कि नीतीश सरकार का देन है? अगर फील्ड में आज घटना पड़ रहा है तो कई घर जाते हैं नीतीश सरकार, हम लोग ही जाते हैं मजदूर। साड़ी उड़ी तो सरकार दे रही है। एक मिनट अगर नीतीश सरकार को कहेंगे हम कि 600 में एक महीना काम कीजिएगा तो करेगा? 300 डिलीवरी में और 300 ऑपरेशन में हम लोग क्या देता है? वो क्या देता है? एक महीना आप 600 रुपया में कटिएगा। अगर एक मजदूर आ जाता है काम करने के, एक दिन का 300 रुपया लेकर आता है, लेकिन अरे छोटा मोटा लेबर खटता है तो सरकार को हम फिर स्कीम का देंगे? हम लोगों का घर खटेगा, हम लोगों का मजदूरी करेगा, हम लोग फिर स्कीम का देंगे? हम अकेला देंगे सरकार? हम सरकार वही तो बोल रहा है कि मेरा पति भी कर देता है साड़ी, वो तो घर में मजदूरी नहीं कराता है, सरकार के पास मजदूरी कर रहे हैं तो एगो साड़ी दे रहा है तो हम उसको थ्री पीस दे रहे हैं। लेगा सरकार हम में से? अब मेरा घर खटेगा जितना हम लोग रात बिरात के खटते हैं, मेरा घर आगे खटेगा? हम उसको थ्री पीस सिलवा के देंगे सरकार को? तो नीतीश को तो बोल रहा है कि नेता कट देंगे, नेता कट नीतीश नीतीश जी को तो हम बोल रहे हैं कि भैया तो नेता कट सिलवा के देंगे। आप मेरे घर आके तो खटिए, हम लोगों के जगह पर तो एक दिन आके आप खट के देखिए कि ऐसा कितना संघर्ष के साथ काम करती है रात को लेकर दिन से। हम लोगों को वेतन नहीं मिलता है और सरकार बताता है कि साड़ी दे दिया तो बहुत दे दिया, अपना साड़ी ला ले, हम लोग थ्री पीस देते हैं उसका। मंत्री लगातार ही कहते हैं कि जीविका दीदी है, उनकी बड़ी तारीफ करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ तो अब जीविका दीदी करेगी ही ना भैया, उनको वेतन दे रहे हैं जीविका दीदी। पब्लिक का खून खींच के जीविका दीदी उनके पास ले जाकर पैसा जमा कर दे तो उससे खुश होंगे ना? उनका देश के बच्चा भविष्य के लिए वोट के लिए माने नहीं रखता है। बच्चा देश का जीतेगा तब ना उनको वोट देगा। ये सरकार को भी सोचता है, उनको सोचना पड़ेगा, सरकार को झुक जाना पड़ेगा। और नहीं झुकेंगे तो ऐसे हम लोग झुका देंगे सब कोई। इतना जान जाइए सरकार से हम लोगों का निवेदन है कि वेतन दे दे नहीं तो झुका देंगे। ये जो आशा कार्यकर्ता है उनका कहना है कि हम लोग सरकार से अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं सरकार बना सकती है वो महिलाएं सरकार गिरा भी सकती है। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि हम अपनी जो मजदूरी है, जो हमने मेहनत किया है, वो मांगने आए हैं। सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में करेंगे।